सत श्री अकाल जी सारां नूं। अज दी वीडियो कोर्स रेलीवेंसी नूं लैके आ कि वाई कोर्स रेलीवेंसी इज इंपोर्टेंट फॉर यूर एप्लीकेशन। कोर्स रेलीवेंसी होने करके तुहाडी एप्लीकेशन ते की इफेक्ट पैंदा, रेलीवेंसी होण दे नाल तुहानूं की सक्सैस रेट रहूगा, अगर रेलीवेंट प्रोग्राम तुहानूं नहीं मिलदा तुहाडी एप्लीकेशन ते की उहदे विच रिजल्ट दऊगा, या की उहदे विच चेंजेस आ सकदे आ, किहड़ी एप्लीकेशन है जिन्हां नूं स्पैशलाइजेशन मिलदी है, ते किहड़ी एप्लीकेशन उह है कि जिन्हां नूं जेनरिक प्रोग्राम मिलदे आ। अगर इसे दोनों दे मेजर फैक्टर नूं लैके चलदा है, दोनों दे डिफरेंस नूं लैके चलदा, मैं एक चीज़ शेयर करदा। लास्ट मंथ मेरे को स्टूडेंट आए, 3 एप्लीकेंट सीगे, प्लस टू 2021 पास आउट मेडिकल स्टूडेंट, 6 ईच स्कोर मोर दैन 70% मार्क्स सीगे उन्हां दे। 3 स्टूडेंट मेरे को आंदे है कि सर फलाने फलाने एजेंट दे कोलों मैं एप्लीकेशन अप्लाई कीती सीगी, बट एक दा वीजा आ गया, 2 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। मेन ट्विस्ट इस चीज़ दे विच है कि साडी पढ़ाई सेम, स्कूल सेम, परसेंटेज भी चंगी और 6 ईच स्कोर, कितने भी असी उस चीज़ उत्ते ज़्यादा चेंजेस नहीं है, या कोई चीज़ उत्ते लैक कर गए, असी मार खा गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया, दैन 2 का क्यों नहीं आया, जो मेरा ABC कंसल्टेंट सीगा कि उन्हें गलती की, उहदे कोल भी इस चीज़ का जवाब नहीं है। असी इस जवाब दे लई आए कि सर मेरी एप्लीकेशन का ग्रांट वीज़ा हुंदा, यह 2 एप्लीकेशन नूं वीज़ा क्यों नहीं मिलता। दैन जो उन्होंने प्रोग्राम पूछा कि मेडिकल पढ़न तो बाद किहड़े प्रोग्राम दे विच तुसीं एप्लीकेशन प्रोसैस की सी, जो फलाना फलाना उन्हों का कॉलेज सीगा, गल चलती है जी परसनल सपोर्ट वर्कर। परसनल सपोर्ट वर्कर हुणे मैं गल कर रहा सीगा एक स्पैशलाइजेशन ते जेनरिक प्रोग्राम दी, काफ़ी लोअर लैवल का प्रोग्राम है जिन्हों पर जेनरिक यूज़ कर सकते हैं, कि इस प्रोग्राम नूं कई बारी की हुंदा आर्ट्स वाला बच्चा भी लै सकदा, इन्ने लोअर लैवल का प्रोग्राम है। अगर मैं गल करा मेडिकल स्टूडेंट की, मेडिकल स्टूडेंट वाला बच्चा जे तुहाडी परसेंटेज चंगी है, स्कोर चंगा है, पासिंग ईयर चंगा है, हर एक चंगा तुहानूं कॉलेज एप्लीकेशन नूं एक्सैप्ट करेगा, चंगी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नूं एक्सैप्ट करती है। अगर इस चीज़ उपर ही आपां गल करते हैं, एक दा वीज़ा ग्रांट होया, 2 दे वीज़े क्यों नहीं ग्रांट होए, जिहड़ा प्रोग्राम सीगा थोड़ा लोअर लैवल दा प्रोग्राम है, नो डाउट इहदे च वीज़ा आंदे है, बट उस सक्सैस रेट, उस रेशो दे नाल वीज़े नहीं आंदे। जिहड़ा भी कंसल्टेंट है, मैं उहदा नाम नहीं लऊंगा, बट किते ना किते उस चीज़ नूं रेलीवेंसी नूं लैके मैनूं लगा कि थोड़ी जी उस 'च प्रॉब्लम आई है। रादर अगर उहदे नालों बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नीशियन या होर रेलीवेंट प्रोग्राम जिहड़े स्पैशलाइजेशन दे विच आंदे आ उह पढ़दे, तां किते ना किते उह वीज़े भी लग सकदे सीगे। इह मेजर जिहड़ी चीज़ रही है देखण नूं मिली है इस चीज़ दे विच। अगर अल्टरनेटली मैं गल करदा आ आस्ट्रेलियन एप्लीकेशन दे विच, काफ़ी बच्चे आंदे आ, प्रोग्राम रेलीवेंट हैगा, कर सकदे हो, अगर नहीं हैगा तां इफेक्ट करदा। रेलीवेंसी वीज़ा ऑफिसर नूं तुहानूं दसणा पैंदा कि मेरी आह प्रीवियस बैकग्राउंड सीगी, मेरे आह स्कोर आ, मेरी आह परसेंटेज आ, मैं किद्दां क्वालीफाई करदा, जो मैं पढ़ाई की उहदे नाल दी ही स्टडी तुहानूं लैणी पैंदी है जी, उहनूं आपां प्रोग्राम रेलीवेंसी कहिंदे आ। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, प्लस टू की है, नॉन मैडिकल दे विच कंप्यूटर दे विच जा सकता, मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकता, जो स्पैशलाइजेशन अगर तो क्वालीफाई चंगा करता पाया, PCM स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ चुका है, दैन वो अगे स्पैशलाइजेशन ले सकता, बट ता ले सकता कि अगर उहदी परसेंटेज चंगी है, उहदे लई स्पैशलाइजेशन अवेलेबल है, मिलती है। हुण इस चीज़ नूं समझण दी लोड़ है, जिद्दां हुण प्रीवियसली आपां गल करदे हां कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम लैके गए कि बहुत ज़्यादा वधिया भी नहीं है, एवरेज एवरेज प्रोग्राम है, एवरेज एवरेज रिजल्ट आते हैं। अगर स्पैशलाइजेशन चंगी लैके जाते तो चंगा रिजल्ट लै सकते सके। हम गल अगर आप करते हैं आस्ट्रेलिया की, मोस्टली स्टूडेंट आते हैं, सर मेरी यह एजुकेशन है कि मैं यह प्रोग्राम लै सकता, रेलीवेंसी बनती है, डेफिनेटली लै सकते हो। 2 चीज़ा होंगे, अगर इस चीज़ में भी मैं डिफाइन करा, कोई प्लस टू स्टूडेंट आ जाता कॉमर्स वाला, वो को ऑप्शन है, अकाउंटेंसी पढ़ी है, बिजनेस पढ़िया। फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस के स्कोर चंगे अकाउंटेंसी नहीं है, बिजनेस से अपनी एप्लीकेशन प्रोसैस कर सकता, बिजनेस प्रोग्राम लै सकता, क्योंकि वो स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर मैं गल करूँगा कि बिजनेस स्कोर घट है, अकाउंटेंसी के ज़्यादा, वो प्रोग्राम अकाउंटेंसी लै सकता। ये इंटैलीजेंस थोड़ी जी, या समझ जिन्हों कही है कि कंसल्टेंट की होंगी है कि मैं किहड़ा प्रोग्राम लैके देना जिद मैं ऑलरेडी चंगा, स्टूडेंट नूं भी इस चीज़ लिए अवेयर होना चाहिए। अगर मैं गल करता कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्टडी की है, दैन स्टूडेंट जाना चाहता हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स वाला बच्चा कहता कि मैं कॉमर्स के रिलेटिड बिजनेस या अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी, मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ना चाहता, कितना कितने एक बहुत चंकी SOP के नाल उन्हें ब्रीफ करना पैना कि लास्ट मेरी आह एजुकेशन सी, मेरे आह स्कोर से इन्ने मेरी परसेंटेज सी, आ मेरा आह स्कोर है, दैन इस तो बाहर जाके मैं इररेलीवेंसी लैके मैं क्यों जाना चाहता, तो तुम्हें वीज़ा ऑफिसर डिफाइन करना पेगा बहुत चंगे तरीके ने, तुम्हें आंसर करना पैंता, दैन वेदा चंगा रिजल्ट आता। ये जो मेजर फैक्टर है कोर्स रेलीवेंसी लैके जोड़ा तुम्हें चंगा रिजल्ट देता, ये चीज़ कितना ना कितना इफेक्ट करती है। अगर इनरेलीवेंसी प्रोग्राम लैके जाने
ਪੜਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੜਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ SOP ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਆਊਟਕਮਸ ਰਹੂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।